तो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं वो क्लिंग शब्द है, क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, ऐ के ऊपर बिंदी लगती है, अंग हो जाता ना अंग, तो इसका उच्चारण होगा क्लिंग ग, पीछे ग की ध्वनि निकलेगी, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। अब एक क्लिंग जो लय नहीं बनता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है वो सांसारिक सुख देगा, कृष्ण तत्व है आकाश तत्व है वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं, सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये सात अनुपद स्त्री पुरुष आए तो बता दो। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव, पहला सत्र शुरू करते हैं। गुरुदेव के ध्यान में बैठने से पहले गुरुदेव से यही प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव अगर कोई दुष्ट आत्मा है, हमारी बाधा हमारी आराधना में जो बाधा है उसको आप मुक्ति प्रदान करें, और अगर किसी ने कोई ऐसी आत्मा भेजी हुई है, क्योंकि ये कोई अब नई चीज नहीं है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि ऐसा होता है, तो अगर किसी ने कोई आत्मा दुष्ट आत्मा भेजी हुई है बदला लेने के लिए जैसे भी, उसी व्यक्ति को पकड़ करके उसके पास जितनी ऐसी आत्माएं हैं जो कैद हैं कब्जे में, उनको भी आप बाबा गंगाईनाथ जी महाराज की समाधि पे बिठा करके मंत्र जाप करवा के उनकी मुक्ति करवा दीजिए। ये सारी आराधना मुक्ति की आराधना है, जो शरीर में आत्मा है हमारी अपनी उसकी भी, और हमारे शरीर में किसी और की आत्मा या आत्माएं हैं उन सबकी। आध्यात्मिक रोग का संबंध इन दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माएं नहीं रहेंगी तो आपके शरीर में ना आध्यात्मिक रोग रहेगा, ना मानसिक रोग रहेगा, ना शारीरिक रोग रहेगा। ओवर टू यू भंवर सिंह। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दरा बहन कुछ कहना चाहते हैं आप? आज तो बहुत अच्छा ध्यान जी, जैसे गुरु जी का कैसा हो रहा है? गुरु जी के चरणों में मैं बैठी थी ऐसे, और बोलते रहिए आप बोलते रहिए गुरु बहन। गुरु जी के चरणों में मैं बैठी थी और फिर बस ऐसे ही बैठी रही। फिर मैं आज शॉपिंग करने गई थी तो मैंने नए कपड़े लाई, तो गुरु जी ने बताया कि तूने बोला था कि मैं तेरे साथ चलूं, तो मैं तेरे साथ चला था ना। अब बता कैसे कपड़े लाई है, पहन के दिखा क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये गुरु बहन की जो मुस्कान है ना, इसके पीछे का जो इतिहास है, वो गुरु बहन और उनके हस्बैंड मैं और भंवर सिंह जी और जानते हैं, और गुरु जी जानते बस, अभी दुनिया को पता नहीं। लेकिन आप तो आज आपके लिए दिवाली है बस, एक तरह से नए कपड़े पहनो, गुरुदेव के चरणों में बैठे रहो और मुस्कुराते रहो। गुरुदेव परम दयालु हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते, कोई उनके बच्चों पर आँच आए तो फिर वो बख्शते नहीं, फिर कोई भी हो उसकी सफाई कर ही देते। तो जब आपके पास समय होगा तो आपका एक फुल लेंथ इंटरव्यू भी लेंगे, लोगों को पता तो चले कि ये भंवर सिंह जी और धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं। लोगों ने तो मेरे को हिदायत देनी शुरू कर दी है कि भंवर सिंह जी का साथ छोड़ दे यार, तू और बदनाम हो रहा बिना बात। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप मेरे को दर्शन की जानकारी दे दो थोड़ी सी, तो मेरे को पता चलेगा तो मैं देखूंगा। अभी तक कोई जवाब आया नहीं, तो ये जो चीज हो रही है ये अजीब चीज है, लेकिन ये सब गुरुदेव की इच्छा से, गुरुदेव की पावर से हो रही है। इसमें ना भंवर सिंह जी का कोई रोल है, ना धर्मेंद्र का कोई रोल है, ना आपका कोई रोल है, सब गुरुदेव की कृपा से। चलिए बहुत आभार आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
जय गुरु, जय गुरु। अमित भाई कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव गुरु अंकल। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु, बताइए। पहले दिन जब मैं ध्यान किया था तो उसमें मुझे कुछ कुछ एक्टिविटी हुई थी, कुछ निगेटिव एनर्जी थी शायद, उसके बाद वो मतलब शांत हो गई। और कल और आज के ध्यान में मतलब कुछ भी नहीं एक्टिविटी हो रहा है, अब सही ध्यान लग रहा है। बहुत अच्छा है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं ना, वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। दर्शक भी तो देखते हैं ना, तो छह महीने से आ रहा है उसके कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली डाउट करेंगे कि ये धर्मेंद्र सिंह जी, भंवर सिंह जी ऐसे टाइम पास कर रहे हैं बस अपने, और साधक पकड़ पकड़ के ले आते हैं कहीं से। आपको हम पकड़ के लाए थे, आप अपने आप आए? नहीं, मैं खुद आपको कांटेक्ट किया था, दो तीन बार पहले भी कांटेक्ट कर चुका था, तो उसमें भी मैं आया था, बट रेगुलर नहीं हो पाया, पांच दिन रहा था, फिर उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया तो नहीं हो पाया था, इस बार फिर से आया हूं तो अब रेगुलर रह पाऊंगा। बताओ, आपकी बात सुनते सुनते मुझे नाद सुनाई देना शुरू हो गया है ना। आप बस दाढ़ी वाड़ी बना के रखा करो, एक छोटी मोटी तमोगुण की कसर बाकी है, उसको निपटाओ आप, और खूब जचा के मंत्र जाप करो। पैरामीटर यही है कि मंत्र जाप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। जी, जितना ज्यादा मंत्र जाप होगा, हाँ, जितना ज्यादा मंत्र जाप होगा तमोगुण उतना दूर भागेगा, और तमोगुण की वजह से ही रोग होते हैं, और कोई रोग नहीं दुनिया में। वो पतंजलि ऋषि था बेचारा, भला आदमी था, उसने भले टाइम पे रिसर्च कर ली, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो उसी को भरमा देते लोग कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है। वो ऋषि था, उसने प्रॉपरली ये सिद्ध कर दिया कि पतंजलि योग दर्शन के अंदर कोई रोग नाम का शब्द नहीं। इसका मतलब भारतीय योग दर्शन में, भारतीय आध्यात्म विज्ञान में कोई रोग असाध्य नहीं है। वो तो जाते हैं, वो तो किस वजह से होते हैं वो तो आप सबको पता चलता है, लेकिन असाध्य कुछ नहीं है, सारे ठीक हो जाते हैं अपने आप, बिना दवाई के भी ठीक हो सकते। डॉक्टर रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना दवाई के भी ठीक हो। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। दो करो ना। जी, मैं एक बार अभी से शायद 6-7 मंथ पहले मैंने भंवर आपसे कांटेक्ट किया था, ये इसी निगेटिविटी के कारण। तो आपने भंवर सिंह जी से कांटेक्ट करवाया था, उस टाइम ना तो मेरे पास जॉब था, शायद 1 साल पहले की बात है, जॉब वगैरह नहीं था, तो मैं बहुत परेशान था। मैं मतलब बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो भंवर सिंह जी ने 40 दिन का उपाय बताया था, वो 40 दिन खत्म हुए, उसके मतलब 5 से 10 दिन के बाद मतलब मैं जब इंटरव्यू वगैरह अटेंड किया तो मेरा मतलब हो गया एक MNC कंपनी में। तो अभी मैं उसी में जॉब कर रहा हूँ, और फिर साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आते रहती है, तो मैं आपके सेशन देख लेता हूँ, तो उससे जो भी बाकी कसर रह जाती है वो दूर हो जाती है। गुरु भाई, मेरे लायक भी कोई नौकरी हो तो बता देना। थैंक यू। चलिए, ये खुशी की बात है गुरु भाई, क्योंकि इस योग में जब त्रिविधि ताप शांत होते हैं या होने लगते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि उस त्रिविधि ताप शांत होने का एक बेनिफिट यह है कि आपके भौतिक जीवन में जो समस्याएं थी उनका भी अंत होना शुरू हो जाता है। अगर आप आराधना कर रहे हो लंबे समय से और आपके भौतिक जीवन में कष्ट कष्ट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी आराधना सही नहीं चल रही। और गुरुदेव अगर समर्थ गुरु है और गुरु ने कहा है कि मुझमें गुंजाइश है, तो काम अभी शुरू हो जाएगा। तो गलती कहां होती है, ये सारे सेशंस उसको आइडेंटिफाई करने के सेशंस, ये कोई आरोप प्रत्यारोप के सेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी आस्था विभाजित रही पहले, तो विभाजित आस्था जब होती है तो प्रॉपर वैक्यूम नहीं बनता है गुरु को अपनी फोर्स अप्लाई करने के लिए। छेद रहेगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। तो गुरु को वो प्रेशर बनाने के लिए आप सारे छेद बंद कर दो, सिर्फ एक निष्ठ हो जाओ गुरु के प्रति। फिर गुरु को ऐसा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि आपके जीवन के सारे कष्टों का हल हो जाएगा। 2-3 दफा गुरुदेव ने इस बात को समझाने के लिए कहा है कि एक ऐसी आराधना है इसमें असफलता नाम का शब्द ही नहीं रहेगा, आपके जीवन से असफलता खत्म हो जाएगी। और साथ में ये कहा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाएगा। अब कोई इतना बड़ा गला लिए बैठा हुआ है आज भी,
तो कष्ट ही तो है उसके, ठीक है, इतनी मोटी मोटी आंखें करके लिए कोई बैठा हुआ है और नाम ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कर रहा है, बावजूद उसके कष्टों का अभाव नहीं हो, और रात भर तो रोता होगा वो, लेकिन कहे किसको? आस्था विभाजित होती है, जिसके लिए आस्था कर रहा है उसी, वो ही नहीं सुनती, एक ही सत्ता सुनेगी, एक सत्ता, उसका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी श्याम, ठीक है, हमारे रामलाल जी सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा, इसलिए धरा की बात सुन ली, इसलिए आपकी बात सुन ली, तमोगुण को जैसा टेस्ट चाहिए होता है ना वैसा देना पड़ता है, वो अंदर से मांगता है ना, जैसी चीज मांगता है तो आप नहीं देते हो तो वो हल्ला करता है, दंगा करता है, फिर जैसे कुटाई मांगता है वैसी कुटाई नहीं दो तो उसके अकल नहीं आता, अब लोग कहते तमोगुण होता ही नहीं कुछ, और मैं कहता हूं अगर नहीं होता तो गुरुजी अपना पेन कॉपी क्यों खराब करते, अपने आसन के नीचे क्यों लिखवा देते कि मैं मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी जाति विशेष देश विशेष और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं, ये तमोगुणी रोग है, सबसे बड़ा रोग यही, और इसी को खत्म कर रहे गुरु। चलिए उन्हीं गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए और पधारिए, अगला बैच तैयार है, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव